नमस्कार, वेलकम टू माय जीएचकेयर चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, पेट का निकल जाना, मोटापा जो है ना, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हाँ, अक्सर लोगों में मोटापे की शिकायत बढ़ रही है। जी हाँ, पेट तोंद निकलता जा रहा है। जी हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ आदतों को छोड़ने से आप मोटापे की समस्या से बच सकते हो? ये वीडियो आपको बताएगा कि 5 चीजों के बारे में बताएगा जिन्हें छोड़ने से आपका वजन जो है कंट्रोल रहेगा और आपको मोटापे की चिंता बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप भी अपने वजन को लेकर परेशान है तो ये वीडियो आपको काम देने वाला है। जी हाँ, क्या आप कमेंट में आके बताइएगा, क्या आप भी मोटापे से परेशान हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो मोटापा कम करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा है? चाहे वो हर्बालाइफ प्रोडक्ट का यूज करना हो, चाहे कोई भी चीज़ यूज करना हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक, लास्ट तक देखना पड़ेगा। हम आपको उन 5 आदतों के बारे में बताएंगे जिन्हें छोड़ने से आपको मोटापे की कभी चिंता नहीं होगी। पहला है शुगर, चीनी। माय डियर फ्रेंड्स, चीनी का अत्यधिक सेवन छोड़ दो, मैं कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं। बोले तो मीठा का अत्यधिक सेवन छोड़ दो, मोटापा खत्म। पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है चीनी। चीनी का अत्यधिक सेवन, चीनी आपके शरीर में खाली कैलोरी का स्रोत होता है जो न केवल मोटापे को बढ़ा देता है बल्कि अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर देता है। जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिठाई जैसे प्रोसेस्ड फूड्स में छुपी हुई चीनी से दूरी बनाए के रखिए। अगर आप चीनी की मात्रा को सीमित करते हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। उसके बाद है प्रोसेस्ड फूड। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी बात जिस पर ध्यान देना सबसे जरूरी होता है वह है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड से परहेज करना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ वजन को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि इनमें पोषण की मात्रा कम होती है और कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें मौजूद जो है ट्रांस फैट्स और प्रीजर्वेटिव्स आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है जिससे वजन गेन होता है, वजन बढ़ने लगता है। उसके बाद है फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, तीसरी आदत है फिजिकल एक्टिविटीज की कमी। अगर आपका दिन भर का ज्यादातर समय खुल बैठकर गुजरता है तो आपका शरीर कम कैलोरी बर्न करेगा। दिन भर में एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप रोजाना वॉक करके, चाहे आप रोजाना साइकिलिंग करके, चाहे आप रोजाना घर पर हल्का व्यायाम करके, इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है तेज रहेगा और मोटापे की संभावना भी कम रहेगी। उसके बाद है इरेगुलर स्लीप, चौथा कारण है अनियमित नींद। अनियमित नींद यानी कि यदि आप पर्याप्त और समय पर नींद नहीं लेते हैं, यह भी आपके शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ देगा। जी हाँ, इससे आपकी भूख जो है बढ़ने वाले हार्मोनल जो है वो सक्रिय हो जाते हैं और आपको ज़्यादा खाने की इच्छा होती है जो वजन को बढ़ाने में मुख्य कारक होता है। उसके बाद है स्ट्रेस। माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेस को नज़रअंदाज ना करें। आखिर में आता है तनाव। जब हम अत्यधिक तनाव लेते हैं तो हमारा शरीर अधिक कैलोरी जमा करने लगता है और अक्सर इस स्थिति में हम क्या करते हैं, अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं और भोजन का सेवन ज़्यादा करने लगते हैं। इसके अलावा तनाव हमारे शरीर में कार्टिसोल हार्मोन को बढ़ा देता है जो वजन बढ़ाने का मुख्य कारण होता है। मेडिटेशन करें, योगा करें, तीसरी रिलैक्सेशंस तकनीकों का उपयोग करके अपने तनाव को कंट्रोल करें, अपने तनाव को बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि 5 आदतें जिन्हें है, अगर वो इन आदतों को छोड़कर अपनी अगर आप मोटापा से परेशान हो तो उससे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा कमेंट में आके बताइएगा। तब तक वीडियो पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।